ईडन गार्डन पे एक ऐसी पारी खेलो कि वहां पर मौजूद किंग खान भी आपकी तारीफ करने से खुद को रोक ना पाए, तो सोचो कि आपने कोई महान काम किया है। जॉस बटलर ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो आईपीएल में बहुत कम बार देखने को मिलता है, या यूं कहें ना के बराबर देखने को मिलता है। ईडन गार्डन पे आज तक 224 चेज नहीं हुआ था, लेकिन आज करके दिखाया जॉस बटलर ने। जॉस बटलर ने ईडन गार्डन के मैदान पर 60 गेंदों में 107 रन, 9 चौके, 6 छक्के, और ये छक्के भी आए अंत के ओवर में जब 16 गेंदों में 39 रन चाहिए थे। कोई विकेट नहीं बचा था। आज जो बाकी थे वो बल्लेबाज नहीं थे, गेंदबाज थे, लेकिन उनके साथ मिलके मैच जिताना, तो फिर किंग खान यानी कि शाहरुख खान भी अपनी कुर्सी से खड़े होकर ताली बजा रहे थे जॉस बटलर के लिए, जबकि उनकी टीम हार रही थी। यानी पता था ये मैच जीतने के लिए आपको प्रतिभा और टैलेंट के साथ साथ आपको दिमाग भी चाहिए, जो कि दिखाया वहां पर जॉस बटलर ने। इस आईपीएल का दूसरा शतक है, टोटल आईपीएल के 7 शतक हो चुके हैं, अब विराट कोहली के 8 शतक है, बस उनसे 1 शतक पीछे हैं, और जॉस बटलर ने इस आईपीएल में अपने 250 रन भी पूरे कर लिए। लेकिन ये जो शतक आया है ये सुनील नारायण के 109 रनों पर भारी भी पड़ा। प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला जॉस बटलर को, और उन्होंने दिखाया कि भले आपके पास फॉर्म ना हो, क्लास होनी चाहिए, क्योंकि जॉस बटलर पिछला मैच नहीं खेले थे, पर आज जब वापसी की तो क्या खूब वापसी की। 7 रोमन पॉवेल का मिला, 7 मिला उन्हें रियान पराग का, पर ये काफ़ी नहीं था। अंत में खुद की लड़ाई खुद लड़नी थी, लड़ी और टीम को 2 अंक दिलाए। जॉस बटलर की पारी से हर कोई प्रभावित है। आप भी कमेंट करके बताइए कि जॉस बटलर की पारी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।